प्यार ये जाने कैसा है क्या कहे ये कुछ ऐसा है सबसे पहले सिस्टम तो अच्छा नहीं लगा कि पहले वो गाना असिस्टेंट साहब ने रिकॉर्ड करवाया उनके तो ये हमारी सिस्टम में नहीं बैठती चीज है तो उसकी वजह से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था फिर मैंने उनके लिए मतलब उन्होंने ना बुलाया ना मैंने उनके लिए गाया ए आर रहमान मैं थोड़ी देर पहले उसका जिक्र कर रहा था राजा साहब के टाइम पे वो आया था छोटा सा बच्चा था लड़का यंग यंग बॉय था थोड़ी थोड़ी मुछे आई थी और दिलीप नाम से जानता था मैं उसको पानी की तरह सिंथेसाइजर बजाता था कट टू एक दिन फोन आया मद्रास से दी से तब तक नाम मैंने सुना था ए आर रहमान क्योंकि रोजा आ चुकी थी और रोजा मैंने मराठी में रोजा के ग, ग, मैंने मेल सॉन्ग्स सब गाए थे मराठी में डब हुआ थे बहुत सारी लैंग्वेजेस में डब हुई थी वो फिल्म तो फ़ोन आया मद्रास से रहमान साहब ने बुलाया आपको गाने के लिए तो मैं गया तब तक मुझे ये मालूम नहीं है और उनका रोज़मर्रा का जो शेड्यूल होता था वो दोपहर को उठते थे सो के उसका भी जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया मगर वो उनका सिस्टम बन चुका है दोपहर को दो बजे से लेके लेट नाइट तीन चार बजे तक काम करते हैं लोग इस जनरेशन के हैं ना मतलब थोड़े से जन जनरेशन के तो जब आए तो अचंभित होकर मैंने एकदम से चिल्लाया अरे दिलीप तो मुझे वो महबूब जो है गाना लिखने वाले उन्होंने कहा सुरेश जी यही रहमान साहब हैं अरे मैंने बोला अच्छा तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था तो उनका नाम रहमान हो गया था तो पहला तो वो मेरे को एक थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ था कि दिलीप ही रहमान है फिर गाना सिखाया उन्होंने वो गाना है ना आपने सुना होगा प्यार ये जाने कैसा है क्या कहे ये कुछ ऐसा है कभी दर्द ये देता है कभी चैन ये देता है कभी खुशी देता है कभी गम देता है इतना खूबसूरत गाना बनाया था तो मैं बहुत खुश हुआ और फिर रिकलेक्ट किया मैंने रोज़ा भी गाई है मैंने मराठी में तो बहुत अच्छा लगा काफ़ी देर तक हम लोग बातें करते रहे रहमान भी बड़ा खुश हो गया और गाना भी लोगों ने पसंद किया फिर बाद में एक फिल्म का गाना करने गया था मैं उसके बाद उन्होंने फिर मुझे नहीं बुलाया क्योंकि थोड़ा सा होता ना काम में थोड़ा सा कभी कभी कोई चीज़ पसंद आती है नहीं आती है सबसे पहले सिस्टम तो अच्छा नहीं लगा कि पहले वो गाना असिस्टेंट साहब ने रिकॉर्ड करवाया उनके फिर जनाब आए और हम लोग ऑलरेडी होटल पे जा चुके थे मैं और साधना सरगम तो फिर वो आए उन्होंने सुना कि नो नो आई वांट लिटिल दिस टाइप तो ये हमारी सिस्टम में नहीं बैठती चीजें तो उसकी वजह से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था फिर मैंने उनके लिए मतलब उन्होंने ना बुलाया ना मैंने उनके लिए गाया मगर बहुत टैलेंटेड बच्चा है बहुत अच्छा काम करता है और हम को बड़ी उनके लिए बड़ी इज्जत है वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम उनको हमारी हिंदुस्तान से पहली बार किसी को ऑस्कर प्राप्त हुआ है जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ और अभिनंदन करता हूँ उनका